नहीं, 2008 में रेलवे ने नेशनल किया था और मैट पे पहली बार नेशनल हुआ था, उससे पहले मिट्टी में होता था। और रेडर के मैं तो इनको भी कहता हूँ, जो एक रेडर जिसको बनना ना 50 रेड तो डेली की चाहिए चाहिए, जब आगे आप मैच में जीत पाओ। हमारे टाइम में तो कोचिज ही नहीं थे, सही बताऊँ बहुत कम कोच थे। अभी तो देखो अकेडमियाँ होगी और कबड्डी में पैसा भी आने लगा, लीग के थ्रू भी आने लगा, लीग होने लगी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टूर्नामेंट होने लगे। जैसे ये है रनिंग कवर लोअर का, जो मैं करता था अपनी बता रहा हूँ, ये है रनिंग कवर। और आगे जैसे कि मेरे टच मारेगा रेडर तो ये हाई होल्ड। मोस्टली जो और खिलाड़ी हैं वो सिंगल थाई होल्ड करते हैं ऐसे, और मेरा खुद का था ये डबल थाई का। ये डाई थी वाली डबल, क्योंकि इसका जो है इस पे तो कम दाब होती थी, और ये जो हाथ लगाता था मैं यहाँ पे ऐसे, तो ये जब भी जान लगाएगा आगे गिर जाएगा, क्योंकि दोनों पैरों को होल्ड करना, और ये जो है इस पे प्रेस करता था ऐसे। क्योंकि मुझे याद है 2008 में हमारा और महाराष्ट्र का मैच चल रहा था रेलवे में, था मैं हमारा मैच था क्वार्टर फाइनल 2008 में करनैल सिंह स्टेडियम में। तो पंकज सशट एक हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, अर्जुन वाडी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो तीन रह गए थे हम डिफेंडर, तीन में मैंने उसको ये टैकल किया था फर्स्ट टाइम। तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी वो चीज़, पर मैंने ऐसे किया, ऑटोमेटिक चला गया था, क्योंकि वो थोड़े भारी थे, अगर सिंगल में करता तो क्योंकि मैट पे नेशनल वही हुआ था फर्स्ट टाइम 2008 में रेलवे ने नेशनल किया था और मैच पे पहली बार नेशनल हुआ, उससे पहले मिट्टी में होता। इसका क्या करते हैं कि देखो हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी हम सिखाते बार बार ऐसे, जैसे मूवमेंट वगैरह करते हैं, जैसे पहलवान है वो धोबी लगाते हैं, डाक लगाते हैं, वो 1000 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, 150 बार करते हैं, तो जब वो करते रहेंगे 2-3 सालों ये, तो फिर वो दाव भी लगने लगते। तो ऐसे ही इसमें कबड्डी में भी देखो दिन होता है, ज़्यादातर तो मैं डिफेंड ही करता था, क्योंकि मैं जिस टीम में गया हूँ 2-3 ऑलरेडी हमारे रेड रहते थे, जब उन रेडरों की टैकल हो जाती थी तो मैं रेडिंग के लिए चलता। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा फाइनल मैच था सेकंड सीजन में बॉम्बे के साथ, तो हमारे अजय ठाकुर और राजेश मंडल, वो दो रेडर थे हमारी टीम में, वो चल रहे थे, वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, 6-6, 7-7 कैच हो गई थी फर्स्ट हाफ में, तो मैं ही रेडिंग लगा रहा था। तो रेडिंग लगा के मैं मुकाबला, मतलब वन साइड नहीं हुआ था, सेम सा था, हमारी एक बारी लीड भी हो गई थी हाफ टाइम के बाद, फिर अजय चल गया, अजय ठाकुर अच्छा खेला, शुरू में वो नहीं खेल पाया था, हाफ टाइम के बाद वो अच्छा किया, पर वो नसीब नहीं था, लक नहीं था, हम हार गए थे। तो रेडिंग का ऐसे ही है, जैसे फिर हमारा सेमीफाइनल मैच था तेलुगु टाइटन के साथ, राहुल चौधरी के साथ, तो वो भी लास्ट में हमारा इक्वल मैच हो गया था, तो ब्रुकलैन पे मैं ही रेड मारने गया था और पॉइंट ले गया था। ये थी चैन, ये मेरा लेफ्ट कॉर्नर का था मैन, प्लस रेडिंग का तो था मूवमेंट,
एक तो ये थी, और एक ये टोटल और बोनस और प्लस ये मैन थी मेरी ये। और सबसे परफेक्ट जो मेरी थी वो थी ये किक आगे, क्योंकि एक टाइम कम से कम तीन साल उस पिक पे था मैं राइडिंग में भी, जो मैं आगे के लिए किक मारने भाग लिया ना, सब कॉर्नर को सभी डिफेंसरों को पता रहता था, पर वो किक मेरी लगती थी, सबको पता था उसको, वो जब भी लगती थी। 3 साल तो कंटिन्यू किक लगाई, आपने देखा होगा प्रो कबड्डी में भी सेकेंड सीजन में फर्स्ट में तो ज़्यादातर तो 2 सीजन तो बिल्कुल ऑलराउंडर की तरह खेले, और पहला ही मैं ऐसा खिलाड़ी था जो रेडिंग में भी और डिफेंस में भी 200 मैंने पहले किए थे। सबसे पहले 200 मेरे फर्स्ट और सेकंड लीग में हुए, टैकल में भी और रेडिंग में, डिफेंस भी किया बहुत ज़्यादा। मैं एक टूर्नामेंट में 4 मैच होते थे, 5 मैच मैं हर मैच में 30-40 रेडर लगाता था, जो मेरे गांव की टीम थी, क्योंकि हमारे कई बार रेडर नहीं होते थे, तो जो मिला चलो भाई खेलने चल रहे, खेलने का इतना शौक था। और रेडर के मैं तो इनको भी कहता हूँ, जो एक रेडर जिसको बनना है ना, 50 रेड तो डेली की चाहिए। जब आगे आप मैच में जीतो, वो सबसे जरूरी, कोई भी खिलाड़ी हो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। दूसरा है कि डाइट और प्रैक्टिस और रेस्ट, जब ये चारों चीज़ हो जाएंगी ना तो एक अच्छे लेवल का खिलाड़ी बनेगा। इनमें से अगर एक को भी आप मिस करोगे वो चीज़ नहीं आ पाएगी। जैसे हमारे बच्चे सुबह 5:30 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और 3 घंटे ये प्रैक्टिस करते हैं, और दिन में नहीं सोएंगे तो शाम को वो चीज़ नहीं होगी। दिन में इनको 3 घंटे 2 घंटे सोना ज़रूरी है, सोएंगे अच्छा है तो शाम को ये फ्रेश उठेंगे, अच्छा मैच लगाएंगे, अच्छे खेलेंगे। अगर ये नींद में रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, खेल नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा डाइट नहीं खाएंगे तो खेल नहीं पाएंगे, और इनडिसिप्लिन होंगे तो ये ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। ये 4 चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में तो कोचिज ही नहीं थे, सही बताऊँ मैं बहुत कम कोच थे। अभी तो देखो एकेडमियाँ होगी, और कबड्डी में पैसा भी आने लगा, लीग के थ्रू भी आने लगा, लीग होने लगी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े टूर्नामेंट होने लगे। जब मैंने 2000 में खेलना चालू किया था तो ये मान लो 11,000 का फर्स्ट प्राइज, 5,100 रुपये का फर्स्ट प्राइज था, पूरा दिन हम खेलते थे, पर हम पैसे के पीछे नहीं भागे, हम खेलना था बस। आज क्या हो गया कि पैसे के साथ साथ खेल के साथ साथ पैसा भी आ गया। तो मैं देखो हमारे जैसे आज के करंट के लड़के हैं, नवीन है और है मोहित गोयत है, नवीन है जैसे प्रदीप नरवाल था, ये जूनियर सीनियर नेशनल भी नहीं खेले थे, सीधे लीग में आए और 2-2, 3-3 करोड़ रुपये सीजन का ले भी रहे, दुनिया जानने लगी। अभी तो एशियन गेम भी नहीं खेला, अर्जुन अवार्ड भी नहीं हुए, फिर भी लोग जानते हैं ना। तो ये ऐसा कबड्डी का ऐसा लीग का ऐसा प्लेटफार्म मिल गया इन बच्चों को, ये जो मेहनत करेगा वो दिखेगा, और जल्दी ही दिखेगा। अगर 18 साल का लड़का गया था नवीन, मोहित गोयत भी, असलम भी, तो आज सब जानते हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में उनको सीजन में मिले, पहले कबड्डी में नहीं था। मैं कबड्डी 22 साल खेल रहा हूँ, 15 साल तो मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, उससे पहले भी मैं खेलता था, क्योंकि इंडिया तो ये तो है नहीं, आज चालू किया और खेल गए। तो 22 साल मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, तो 22 साल के मेंटेन ये करना पड़ता है। देखो सारे रिश्तेदारी, खाना बाहर का खाना नहीं होगा, और रिश्तेदारियों में नहीं जाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। मेरा एक टारगेट था, मैं इस कबड्डी में आया, मेरे गुरुजी भी मान लो और मेरे वो रिलेटिव भी हैं,
मूसा जी जो मेरे को अखाड़े में लेके गए सुरेंद्र कुमार खत्री, उनके भाई हैं छोटे चांद राम पहलवान, बहुत बड़े पहलवान रहे, डिप्टी कमांडर ने CRPF, देश के लिए 25-30 बार इंटरनेशनल वो टूर्नामेंट भी खेले। तो जो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था, पहले मैं अखाड़े में था चोट लगने के कारण मैं कबड्डी, तो मैंने पूछा उनसे कि कबड्डी में सबसे बड़ा क्या है, तो बोले एशियन गेम है, मैं ज़रूर खेलूँ। तो मैंने वो टारगेट बना लिया था, तो 2010 में मेरे को मिला, फिर 10 में मिला, फिर 11 में गए, फिर बीच एशियन गेम में गए, फिर 14 आ गया, तो ना हम 14 वाला भी खेलें, तो एक टारगेट बना लिया। उसके बाद सोचा अर्जुन अवार्ड भी ले लें, एक कदम दूर है, वो भी मिल गया, फिर वर्ल्ड कप आ गया, वो भी मिल गया, फिर लीक आ गई। अगर लीक नहीं आती तो मान लो 16 में 17 में हम छोड़ देते, फिर हम 21-22 तक खेल ले, 22 तक तो लीक का ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लीक में जानते भी हैं पहले कौन। एशियन गेम भी मान लो एक दो चैनल पे थोड़ा 3 मिनट का दिखा दिया, 2 मिनट का दिखा दिया, और लीक आने के बाद तो फिर 40 मिनट जब एक बंदा खेलता है, एक भी छोड़ के कंटिन्यू मैच खेले तो सब जानने लगते। हमारे खिलाड़ियों को तो जानते ही हैं, हमारी पब्लिक जो विदेश के खिलाड़ी उनको भी जानने लगी थी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं तो अपने इन बच्चों को कह रहा हूँ मेन चीज़ है प्रैक्टिस और डिसिप्लिन। गुरुओं का आदर करो, माता पिता का डेली नाम लो और अच्छे से देखो। एक खिलाड़ी वैसे नहीं है, त्याग तपस्या करनी पड़ती जो वो खिलाड़ी बड़ा बने। बहुत से खिलाड़ी मेरे आगे हमने देखे हैं, जो आप कह रहे थे ना कि 2-3 साल हो गए उनको एकदम नाम, उनको भी मिला और वो 2-3 साल के बाद ही ख़त्म भी हो गए, क्योंकि मेंटेन करना बहुत मुश्किल चीज़ है।